हेलो दोस्तों, आई एम बैक विथ माई अंदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं वीवो V9 के 6 GB वेरियंट के बारे में कि क्या कुछ हमें नया देखने को मिलता है इस वेरियंट में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, और दोस्तों चैनल पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों, इस फ़ोन में 6.3 इंच का IPS फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल इंटू 2180 पिक्सल है। ये जो डिस्प्ले है 18:9 एस्पेक्टेड रेशियो के साथ आता है। ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में ये जो फ़ोन है वो दोस्तों बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों, इस फ़ोन में जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो स्नैपड्रैगन का 660 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो कि गेमिंग के मामले में बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। और दोस्तों, हमें देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में 6 GB रैम और 64 GB का स्टोरेज। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कैमरे के बारे में। तो दोस्तों, इस फ़ोन में जो बैक कैमरा है वो दोस्तों 13+2 का डुअल कैमरा सेटअप है, जिसका अपर्चर f2.2 का होने वाला है। और दोस्तों, हमें इस फ़ोन के बैक कैमरे में अल्ट्रा HDR मोड भी देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरे के बारे में। तो दोस्तों, इस फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा है वो दोस्तों 12 MP का है, जिसका अपर्चर f2.0 का होने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कैमरे में आप सबको क्या क्या फीचर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इस फ़ोन में आप सबको AI बेस्ड फेस ब्यूटिफिकेशन ऐप, वीडियो कॉलिंग ब्यूटिफिकेशन, AR स्टिकर्स, पोर्ट्रेट मोड, डेप्थ मोड एंड टिल्ट इफेक्ट मोड भी देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बैटरी के बारे में। तो दोस्तों, इस फ़ोन में हमें 3260 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, इस फ़ोन में हमें 8.0 ओरियो एंड्रॉयड भी देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्लॉट्स के बारे में। तो दोस्तों, हमें इस फ़ोन में एक माइक्रो USB पोर्ट और एक 3.5 mm हेडफोन जैक और एक डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, ये जो फ़ोन है वो दोस्तों वोल्टी को सपोर्ट करता है। और दोस्तों, इस फ़ोन में हमें एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी लाइट सेंसर्स के जैसे काफ़ी सारे सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, इस फ़ोन का जो प्राइस है इंडोनेशिया में वो दोस्तों 4,300 के अराउंड है, जिसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो 20,900 के अराउंड होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। The sky, we are here.